हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज हम देखेंगे कि कैसे आप शून्य मोबाइल से लमसम अमाउंट के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है शून्य मोबाइल का डैशबोर्ड। यहाँ हम जाएंगे मेन्यू बार में और क्लिक करेंगे मार्केट पे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मार्केट विंडो ओपन हो गई है। अब हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सर्च करेंगे। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइज एंड पे का पेज ओपन हो गया है। यहाँ आप अपने फंड की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो फंड नेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे विनवेशिया के म्यूचुअल फंड पेज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंड के स्टैट्स दिए गए हैं। अब वापस जाते हैं एनालाइज एंड पे पेज पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है SIP और दूसरा है वन टाइम, जिसमें हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वन टाइम मोड से। अब हम यहाँ पे डालेंगे अमाउंट। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 5000 और क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट मोड का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का पेमेंट पेज ओपन हो गया है। पेमेंट करने के बाद अपना ऑर्डर चेक करने के लिए आप जाएंगे मेन्यू बार में MF ट्रांजैक्शंस पे। आप देख सकते हैं यहाँ MF ऑर्डर बुक टैब खुला है। इसमें अभी जो हमने ऑर्डर लगाया है उसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि हम ये ऑर्डर लगा रहे हैं आफ्टर मार्केट आवर्स में। जब ये ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा तब आपका ऑर्डर स्टेटस कन्फर्म दिखेगा। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर लगाया था जो कि कन्फर्म हो चुका है, तो उसका स्टेटस कन्फर्म दिखाई दे रहा है। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप अपने शून्य मोबाइल से लमसम अमाउंट के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस।